बिलारी की पीएनबी शाखा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नितिन और तरुण नाम के दो सगे भाइयों ने कनेक्टिविटी न आने पर जूनियर मैनेजर महिला के साथ गाली गलौज कर बदतमीजी की। जब उस महिला ने विरोध किया तो हंगामा हो गया। उसके बाद सात्र किस्म के दोनों भाइयों ने गांव में पहुंचकर 8 से 10 लोगों का गिरोह बनाया और बैंक के अंदर आकर कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। स्टाफ ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गिरोह के अन्य साथी मौका पाकर भाग गए। क्या हुआ? एक व्यक्ति करीब 3:30 के करीब बैंक में आया। उसने खूब दारू पी रखी थी। आते के साथ मेरी महिला कर्मचारी से बदतमीज बना करने लग गया, तो उसको वहीं से बाहर कर दिया गया। हम कर्मचारी लोगों ने मिलकर वहाँ से उसको बाहर करा। जब वो बाहर चला गया वहाँ से, वो और अपने 3-4 बंदों को लेके गेट पे आके खड़ा हो गया और गेट को बिल्कुल तोड़ने की स्थिति में थे। 3-4 के बाद वो 7-8 हुए करीब। ऐसे करते करते 10-15 लोग गेट पर चिल्लाने लग गए कि यहाँ पर बहुत, हम सब बाहर निकलो, सबको हम बताएंगे, आपका बैंक उखाड़ के ले जाएंगे, हम आपको बताते हैं क्या हो आप क्या नहीं हो। फिर हम सब लोग इतना डर गए और बैंक की सुरक्षा को देखते हुए हमने सीधे पुलिस को फ़ोन करा 100 नंबर पर, जहाँ से हमें सहायता प्राप्त हुई। उसके बाद जब यहाँ से सारे लोग गए, फिर हमने पुलिस के कुछ लोगों को अंदर लिया, तब जाके अपने बैंक की कार्यवाही आगे स्टार्ट करी। क्या पुलिस ने दो लोगों को पकड़ लिया? जी हाँ, दो लोगों को पकड़ा गया है। कितनी देर तक वो गाली गलौज करते रहे और गेट को खटखटाते रहे? सर करीब 10 मिनट तक वो लोग गेट को हमारे खींचते रहे और बिल्कुल तोड़ने की स्थिति में थे कि हम इसको तोड़ देंगे, उखाड़ के ले जाएंगे। और सबको धमकी भी दी गई कि हम सबको बाहर देख लेंगे। अब क्या करेंगे आप? सर इसमें करना, मेरी बस प्रशासन से ये उम्मीद है कि उनके खिलाफ़ कार्रवाई करी जाए और हमें सबको सुरक्षा प्रदान की जाए।